दोस्तों आज इस वीडियो में रामायण और उससे जुड़े तथ्य के बारे में समझेंगे। रामायण मैथोलॉजी की वो घटना है जिसे सब समझना और जानना चाहते हैं कि क्या ये सच्ची घटना थी या फिर एक मनगढ़ंत कहानी। रामायण एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्य के सबसे बड़े पुत्र थे। दशरथ की तीन बीवियाँ थीं, कौशल्य, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी माता के पुत्र थे भरत और सुमित्रा माता के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कौशल्या माता के पुत्र थे राम, श्री राम। श्री राम का विवाह का कारण क्या था? सीता स्वयंवर में राजा जनक ने सीता से विवाह की शर्त रखी थी। भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यान चढ़ाने वाले राजा के साथ सीता का विवाह होना तय था। गुरु विश्वामित्र से आज्ञा पाकर श्री राम धनुष को उठा लेते हैं और प्रत्यान चढ़ाते हुए धनुष टूट जाता है और शर्त पूरा होता है तो राजा जनक सीता का विवाह श्री राम के साथ तय कर देते हैं। ये थे रामायण के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य जिससे ये समझ आता है ये साम्राज्य काल था और इतिहास के पन्नों में राजा और प्रजा की कथा ऐसी ही लिखी जाती थी। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि ये कहानी और ये कथा सच थी या फिर एक मनगढ़ंत कहानी। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। किसी भी इतिहास में घटित घटना को सच साबित करने का दो तरीका है। पहला, उन लोगों से बातें करें जो घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने अपने होशो हवास में घटित घटना को देखा है या फिर उस काल में जीवित रहते हुए कहीं से सुना है। दूसरी, जहां घटना घटित हुई थी वहां पे उस घटना से संबंधित कोई भी प्रमाण या कोई भी छपा हुआ निशान अस्थायी रूप से मिला हो जहाँ उसका वर्णन किया गया था। अगर है तो यह साबित होता है कि वो घटना सच में हुई थी। इन दोनों के साबित होने पे ही ये कह सकते हैं कि कोई प्राचीन घटना हुई थी और उसका सच से ताल्लुकात है। मगर इससे ये साबित नहीं होता कि रामायण में हुए वारदात के लोग भगवान थे। हाँ, ये हो सकता है कि वह प्राचीन काल के महापुरुष थे, योगी थे। एक और बात गौर करने लायक है, जहाँ ऐसे महापुरुष इस धरती पे जन्म लिए थे वहाँ न्याय और पुण्य जैसे महापुरुषोत्तम देवगणों के होते हुए भी बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर बुरी तरह से दबाव और अत्याचार क्यों हुआ और स्वयं महापुरुष राम ने ही क्यों लगाया था सीता पे आरोप और उन्हें वनवास के राह पे जाने पर विवश किया क्यों, और वो भी उस समय जब वो गर्भवती थी। अपने बच्चे को लेकर उस घने जंगल में रहना ये कैसा न्याय था, जब दोनों बच्चों ने गली गली गाँव गाँव घूम कर स्वयं अपने पूजनीय पिता राम और पूजनीय माता सीता का वर्णन किया था, वो भी गा के। उसके बाद भी राम ने उनसे अपना सुपुत्र होने का प्रमाण क्यों मांगा था। बात जो भी हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका ये अंधविश्वास जो आपने सालों से बनाए रखा है वो भी बिना जाने समझे उसे अपना लिया है और उसे अपने आने वाले जनरेशन पर जबरदस्ती थोपने में मजबूर किया है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त अगर आप इस तरह की घटनाएं सुनते हैं या देखते हैं तो एक बार जरूर उसके अंतिम तह तक जाएं, उसके बाद ही निर्णय लें। रामायण में सबसे कठिन दृश्य यहाँ तक ठीक है, मगर जहाँ राजा और प्रजा, महल और झोपड़ी, अमीरी और गरीबी, दिन और रात, सुख और दुख, न्याय और अन्याय जैसे चीज़ों का वर्णन हो और वर्णन ही नहीं घटित भी हुआ हो, उसे कैसे कह सकते हैं भगवान का स्थल? कैसे? रामायण ही नहीं, हर वो ग्रंथ जिसमें ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं वह स्थल ईश्वर या परमात्मा का नहीं हो सकता। हाँ, शांति का प्रतिबिंब हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ महापुरुष रहते हों और उनका विरोध करने के लिए दुष्ट राक्षस, और जीत हमेशा बुराई पर अच्छाई की होती हो और झूठ पर सत्य की होती हो, मगर ये तो न्यायप्रिय राज्यसभा का लक्षण है और इससे तो हमारे जैसे इंसानों के प्रतिबिंब का एहसास होता है। चलिए इस वीडियो को एक आसान से प्रश्न से खत्म करता हूँ। आप सब सबके सब खुद से पूछो, हमारे शरीर में कहाँ है छपा हुआ निशान, कहाँ है वो ठप्पा जो ये साबित करे कि हम हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, क्रिश्चन हैं या फिर सिख या फिर कोई भी अन्य धर्म है क्या? खुद से प्रश्न करो, आंसर मिल जाएगा। सबसे गहरी बात कि हमें इंसानियत पे भरोसा करना है और एक नया खुशहाल जीवन को उत्पन्न करना है। धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो और बात दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें।